कर्नाटक में बड़ी जीत मिलने के बाद राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने बीजेपी पर निशाना साधा और बीजेपी के बजरंग बली कैंपेन को लेकर तंज कसा। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने चुनाव में बजरंग बली के नाम पर ठप्पा लगाने का अभियान चलाया था, जिसका ही असर है कि बीजेपी को कर्नाटक में करारी हार मिली है। नाम करो भाई, वो सबके आस्था के बजरंग बली है, उनका कशिश्रे हो। कर्नाटक के नतीजों के बाद छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने हनुमान मंदिर में दर्शन किए। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधा। बजरंग बली बजरंग बली है, साधारण इंसान उसके मुकाबला नहीं कर सकता। कर्नाटक में कांग्रेस ने बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया है। कर्नाटक में कांग्रेस सत्ता में लौटी है। 226 सीटों वाली विधानसभा में कांग्रेस ने 135 सीटों के साथ बहुमत हासिल किया है। कांग्रेस की इस जीत पर उसकी साथी पार्टी के नेताओं ने खुशी जाहिर की है और कांग्रेस कार्यकर्ताओं को बधाई दी है। उनको मौका देना नहीं चाहिए, ये समझ कर उन्होंने वोटिंग किया है। जम्मू कश्मीर में पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने कांग्रेस की इस जीत पर बीजेपी को घेरा। देखिए, कर्नाटक के जो लोग हैं, जो कर्नाटक का वोटर है, उसने आज पूरे मुल्क को एक रोशनी की किरण नजर आ रही है वहाँ से। तो वहीं दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल ने भी इस हार पर बीजेपी पर तंज कसा। काम तो करते नहीं है वो, तो बिना काम किए उल्टे सीधे उस पे लड़ते हैं और वो चलता नहीं है। जनता जो है, जनता काम मांगती है। कर्नाटक में आज होने वाली विधायक दल की बैठक में सीएम के नाम का ऐलान होगा। 2024 से पहले कर्नाटक विजय ने कांग्रेस पार्टी में दम फूंकने का काम किया है और इस जीत के बाद दूसरे राज्यों के कांग्रेस नेताओं ने भी अपने राज्य को जीतने का दावा ठोक दिया। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने दावा किया है कि जैसे कर्नाटक को बजरंग बली ने जिता दिया, वैसे ही बजरंग बली का आशीर्वाद मध्य प्रदेश विधानसभा चुनावों में भी मिलेगा। बजरंग बली का आशीर्वाद कर्नाटक में मिला, मध्य प्रदेश में भी मिलेगा। तो दिग्विजय सिंह ने इस जीत के बाद बागियों पर तंज कसा। कर्नाटक में कोई सिंधिया नहीं है, वहाँ मजबूत कांग्रेस ही है। वही ममता बनर्जी ने भी एमपी छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की जीत का दावा किया है। नेक्स्ट छत्तीसगढ़ एंड मध्य प्रदेश इलेक्शन इज ऑल्सो कमिंग, आई थिंक बोथ द स्टेट बीजेपी विल लूज। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के नवंबर या दिसंबर में होने के आसार हैं। और उधर यूपी नगर निकाय चुनाव में बीजेपी को बहुत बड़ी जीत हासिल हुई। बीजेपी ने मेयर पद की सभी 17 सीटों पर कब्जा कर लिया। वहीं बीएसपी और समाजवादी पार्टी को करारी हार का सामना करना पड़ा, जिसके बाद पीएम मोदी और गृह मंत्री शाह ने यूपी की जनता को जीत की बधाई दी। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में बीजेपी को बहुत बड़ी जीत हासिल हुई है। प्रदेश नगर निकाय के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने अब तक की सबसे बड़ी विजय प्राप्त की है। सीएम योगी ने बीजेपी